हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक पेटीएम यूज़र हैं, पेटीएम एप्लीकेशन को चलाते हैं, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे पेटीएम यूपीआई लाइट का जो अकाउंट है वो अपने पेटीएम से आप डिसेबल कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं। जो पेटीएम यूपीआई लाइट का जो वैलेट है उसे डिसेबल कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपने पेटीएम से। और आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये भी डाउट था कि जो हमारा पेटीएम यूपीआई लाइट के अंदर बैलेंस है उसका क्या होगा, जब हम इसे रिमूव कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, तो हमारा जो बैलेंस उसके अंदर पड़ा हुआ है 10 20 50 जितने भी रुपए पड़े हुए हैं, क्या वो हमारे रुपीज़ हमें मिलेंगे या नहीं। तो ये सारे डाउट्स भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, तो यहां पे हम पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे सबसे पहले। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं और पेटीएम से आपको पेटीएम यूपीआई लाइट का जो अकाउंट है उसे डिलीट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए क्या करना है वो अब आपको ध्यान से देखना है। और इसके जो यूपीआई लाइट का बैलेंस है वो कैसे मिलेगा आपको, वो भी ध्यान से देखना। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको टॉप लेफ्ट में आपको अपनी प्रोफाइल का आइकन दिखाई देगा, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स के अंदर जाना है। ठीक है, यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो भी लिंक होगा पेमेंट से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीआई लाइट आ रहा है, जो भी बैंक अकाउंट, बैंक जो भी है आपके, वो यहाँ पे लिंक आपको दिखाई देंगे। तो आपको यूपीआई लाइट को यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आ रहा है डिसेबल यूपीआई लाइट, और यहाँ पे लिखा हुआ है योर रिमेनिंग बैलेंस 102 रुपए है मेरे, इसके अंदर विल बी डिपॉजिट योर पेटीएम पेमेंट बैंक, जो मेरा पेटीएम का बैंक है उसके अंदर मेरे 102 रुपए डिपॉजिट हो जाएंगे, तो मेरे जो 102 रुपए हैं वो मरेंगे नहीं, वो गायब नहीं होंगे। ठीक है, मुझे लॉस नहीं होगा, वो मेरे जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट है उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम डिसेबल यूपीआई लाइट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है यूपीआई लाइट डिसेबल सक्सेसफुली, योर बैलेंस 102 रुपए जो भी हैं वो डिपॉजिट हो गए आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर। तो हम वो भी चेक कर लेंगे, यहाँ पे डन कर देंगे और यहां से मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं चेक करता हूं अपने पेटीएम बैंक को, जो मेरे 102 रुपए आए हैं या नहीं आए। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं और इसमें मैं लॉगिन कर लेता हूं जल्दी से। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे 102 रुपए यहां पे ऐड हो चुके हैं। मैं यहां पे क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहां पे स्क्रॉल डाउन करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहां पे मनी रिसीव्ड। ठीक है, 102 रुपए मुझे रिसीव हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेटीएम से पेटीएम यूपीआई का जो लाइट का जो अकाउंट है उसे रिमूव कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, और उसके जो भी बैलेंस है वो आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आप अपने पेटीएम जो आपका अकाउंट है वहाँ पे आप अपने पेटीएम यूपीआई लाइट का जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया था उसे आप डिसेबल कर सकते हैं, वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।